Hey guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. Those who already subscribed to my channel, welcome back. It's me Sehrish from Sehrish Easy Life. Thank you so much for all who subscribed and who didn't subscribe. Please make sure you do subscribe and hit that bell button so you get notified when I upload new videos. सो आज जो है काफ़ी अच्छा दिन है. लंदन में जो है वो इंग्लैंड में फिर से समर स्टार्ट हो गया है फाइनली लॉन्ग विंटर के बाद. सो आज मेरी बेटी का, बड़ी बेटियों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मेरी जो छोटी बेटी है लीशा, उसकी प्ले ग्रुप होता है, तो मैं उसको प्ले ग्रुप लेके आई हूँ ताकि वो अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सके, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर किड्स के सोशली उन्होंने कैसे बिहेव करना होता है. और जब वो बाकी बच्चों के साथ प्ले करते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं. तो घर वापस आने के बाद आज मैंने सोचा कि बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो क्यों ना मैं अपनी समर क्लीनिंग कर लूँ. तो मैंने सबसे पहले बच्चों के रूम से शुरू किया. बहुत सारे कपड़े जो थे, जो छोटे हो गए थे या नहीं यूज़ हो रहे थे, वो मैंने निकाले कि चैरिटी में दूँ. और फाइनली जो है वो थोड़ी थोड़ी शक्ल नज़र आने लगी है कमरे की. सो ये जो ड्रॉर्स रखे हुए हैं ये मैंने विल्किंसन से लिए थे, काफ़ी लो प्राइस पर मिल गए थे, डिस्काउंट हुआ हुआ था. तो ये मैं अपनी छोटी बेटी की चीज़ें इसमें रखती हूँ. इनको डिवाइड किया हुआ है कि सबसे टॉप पे शर्ट्स, देन उसकी पैंट्स एंड शॉर्ट्स, फिर उसके बाद ये जो है थ्री ड्रॉर्स जो हैं वो उसके ड्रेसेस के हैं, फिर जो नेक्स्ट ड्रॉर है उसके अंदर मैंने उसके पजामाज एंड ऑल लेगीज रखे हुए हैं. देन इसके बाद जो है ये मैंने एम्प्टी किया है, तो इसके अंदर जो है मैं अपनी दूसरी बेटियों के समर के कुछ जो है टॉप्स रखूँगी. अब फाइनली बहुत काम के बाद मेरे फाइनली ये रूम क्लीन हो गया है, बहुत मैस इसमें से निकला. बच्चे जो हैं वो बस चीज़ें जमा करते रहते हैं और इधर उधर घुसाते रहते हैं, तो फाइनली मैंने ये रूम क्लीन कर लिया. और साथ साथ मैं अपना भी रूम कर रही थी और काफ़ी जो थी वो चैरिटी के लिए भी चीज़ें मैंने निकाली ताकि जो है वो चैरिटी में दे दूँ. और ये देखें इनकी कबर्ड भी ऊपर से लेके नीचे तक मैंने साफ़ की. देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी इतनी चीज़ें थी जो बच्चों के कबर्ड के अंदर बस ऐसे ही घुसाई हुई थी. तो फाइनली जो है वो कबर्ड कुछ क्लीन हुई है और मैंने इनके विंटर के क्लोथ्स रखे, समर के क्लोथ्स भी निकाल दिए. काम कर रही हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी से टाइम गुजरता है. तो बस इन दोनों ये दोनों रूम्स जो हैं वो कपड़ों निकाल खुल के उनको टाइडी अप करके वैक्यूम करके, तो मैंने कहा कि अब मैं बच्चों के आने से पहले खाना बना लूँ. तो बच्चे जो हैं वो, मेरी बेटी बड़ी कह के गई थी कि मामा हमने कीमा खाना है, तो मैं बस उनके लिए सिंपल सा कीमा बना रही हूँ. सो बस मैंने ये प्याज जो है वो दो मीडियम प्याज जो लिए थे वो उनको मैंने चॉप करके उसको ब्राउन किया है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने टमाटर ऐड किए और अब मैंने अदरक लहसुन ऐड करके मैंने इसको, इसका जो है वो मसाला बना लिए. फिर उसके बाद जो है आप अपनी जो भी आप स्पाइसेस वगैरह यूज़ करना चाहें, यू कैन यूज़ दो स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है, सॉल्ट यूज़ किया है और हल्दी डाली है, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी डाला था. सो बस ये डाल के मैं इसका मसाला जो है वो अच्छे से भून लूँगी. और मैंने जो है वो दो से तीन इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हैं. और इसमें जो है वो थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था, क्योंकि उससे जो है वो जो मुझे अच्छी नहीं लगती कीमे की वो जो अजीब सी स्मेल होती है, अगर वैसे तो भूने तो वो स्मेल चली जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए इसमें लेमन जूस जो है वो भी ऐड कर लेती हूँ. कि जब मसाला अच्छे से बिल्कुल भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर लूँगी. कीमे को जब मैंने डालना है इस मसाले के अंदर, तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी कीमे को. और उसके बाद जो है जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया. कीमे
क्लिप बीच में मेरे से डिलीट हो गया, बट मैंने इसके अंदर जो है वो 3-4 टेबल स्पून योगर्ट भी ऐड किए और फिर मैंने इसको दोबारा से अच्छे से भून लिया है कीमे को। कीमे ने जो है वो अपना तेल छोड़ दिए और अब मैं इसके अंदर बस धनिया ऐड करूँगी और मेरे बच्चों को पसंद है कि वो पराठे के साथ खाएं, तो मैं उनके लिए खाने में पराठे बनाऊँगी कीमे के साथ। तो साथ साथ जब मैं अपना सॉर्ट आउट कर रही थी कपड़े कबर्ड्स के, बच्चों का रूम और अपना रूम, तो साथ ही मैंने कपड़े भी वॉशिंग के लिए डाल दिए थे, तो वॉश हो गया, मैंने बाहर डाले। ये देखें, ये हमारा छोटा सा गार्डन है, बच्चे स्कूल से आके शावर लेके अब वो गार्डन में प्ले करें, बिकॉज आज बहुत ही अच्छा दिन है तो वो गार्डन में प्ले करें। मैं आप लोगों को अपनी ट्रीज़ दिखा रही हूँ। ये हमारे घर में जो है वो एप्पल ट्री है, पेयर का है, प्लम है, पीच है, और ये वाला जो है ये चेरी का ट्री है। अभी तक बाकी किसी के ऊपर, क्योंकि इस दफ़ा विंटर काफ़ी लॉन्ग था, बाकी किसी के ऊपर अभी तक फ्लावर्स नहीं आए, सिर्फ चेरी ट्री के ऊपर फ्लावर्स आ गए। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड गिव अ बिग थम्स अप। टेक केयर, बाय।